नमस्कार। सो विवेक गुप्ता, इस चैनल में आपका स्वागत है। और काफ़ी लोग ना इवन हमसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर वो जो नोटिस आया था कि कर्नाटका का फॉर्म 3 दिन के लिए खुलेगा नहीं रिजल्ट आने के बाद, वो अभी तक क्यों नहीं खुला। तो देखिए, हम जानते हैं ना कि नीट रिज़ल्ट भी तो रिवाइज हो रहा है ना, या अधर में लटक गया है, वट एवर हम उसको देखना चाहें। तो उसकी वजह से आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। तो जब भी इमीडिएट जो नीट का रिवाइज रिज़ल्ट है वो तो मेरे ख्याल से अब परसों आ जाएगा। और वो 7 दिन का समय भी देखिए इसलिए लग रहा है क्योंकि बात सिर्फ 813 बच्चों की नहीं है ना, बात तो ये है कि बिकॉज ऑफ दिस 1563 बच्चे हर एक की रैंक चेंज होगी, चाहे 200-400 रैंक से होगी, बट वही जो बिल्कुल सरकारी के मार्जिन में था या फ्यूचर में कर्नाटका के मार्जिन में था उनको तो फ़र्क पड़ेगा ही ना। सो एवरी रैंक इज़ इम्पॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट दैट। तो उसकी वजह से रिवाइज रिज़ल्ट जो आएगा वो सबके लिए आएगा, एक तो इस बात का ध्यान रखिए। तो दोबारा से अपने नीट स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके हिसाब से ही आप की फ्यूचर प्रोसेसेस होगी। और वही कर्नाटका वेट कर रहा है क्योंकि केरल ने ना अभी भी नीट का स्कोर अपलोड नहीं कराया था, सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन कराया था। तो उनको भी पता है कि अभी नीट चेंज हो सकता है, करेक्ट। सिमिलरली CMC वेल्लूर जो कि नीट का स्कोर अपलोड करवाता है वो भी दोबारा मौका देगा, एक्चुअली स्कोर ही अपलोड कराएगा क्योंकि उससे स्कोर तो आपका सेम ही है जो पुराने बच्चे थे, खासकर उन नयों का चेंज हो जाएगा। तो जो भी ऐसी प्रोसेस थी वो एक बार तो दोबारा होगी जो नीट रिज़ल्ट के बाद। और उम्मीद ये है कि संडे को परसों या क्या पता कल भी आ जाए नीट का रिज़ल्ट रिवाइज होकर, जिसमें हर बच्चे का आएगा। और वो जो प्रोसेस है दूसरी वाली वो तो चलती रहेगी शायद अभी कुछ दिन और, तो एज़ पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रिज़ल्ट आ जाएगा आई थिंक 1 या 2 या 3 जुलाई को। फिर MCC अपना ब्रोशर निकाल देगी और 8 जुलाई से या मैक्सिमम 15 जुलाई से काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, अगर सब कुछ ऐसे रहता है जैसे कि फ़िलहाल चल रहा है। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, MBBS, non-MBBS, आयुर्वेदिक, BDS, जहाँ पर भी आप इवेंचुअली जाएँ। और डू कीप वॉचिंग दिस चैनल ताकि और लोगों को भी मदद हो, इसलिए वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो लोग अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ें और उन्हें सटीक और काम की जानकारी रेगुलरली मिलती रहे। ओके, बाय बाय।